तो गाइस आज बन रहा है हम लोग के यहाँ चिकन। और देख सकते हैं आप इतना प्याज है, 5 किलो चिकन है यहाँ रखा हुआ है। हम लोग खाने जा रहे हैं चिकन। सामने में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये हमारा किचन है, किचन में हम लोग जमीन पे बना रहे हैं यह किचन चिकन। और तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कीजिएगा। और बहुत टेस्टी चिकन बनने जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। डाला प्याज दोस्तों, डल चुका है प्याज देख सकते हैं। और बन रहा है हम लोग का चिकन, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनने वाला है। प्याज गलने के लिए सोना डाल रहे हैं इसमें नमक, और नमक डाल के हम लोग गलाएंगे प्याज। और हम सब मिलके आज बनाएंगे चिकन, क्योंकि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। और हमने दिए अपने दोस्तों यारों को पार्टी, और पार्टी दी है तो पार्टी में चलेगा चिकन, और हम लोग खाएंगे चिकन दोस्तों। और बहुत ही डिलीशियस चिकन आज बनेगा, अब बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही लज्जेदार बनेगा, क्योंकि ठाकुर भोज है चिकन। ठाकुर सूरज अस्त, ठाकुर मस्त। और हम लोग बना रहे हैं वीआईपी चिकन। और जो जो मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश करेगा उसको मैं चिकन जरूर खिलाऊंगा, पार्टी दूंगा। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा उसको भी मैं पार्टी दूंगा, और जो शेयर सब्सक्राइब लाइक करेगा उसको भी मैं पार्टी दूंगा दोस्तों। तो ये बनना बन रहा है चिकन, ये आप देख सकते हैं 5 किलो फ्रेश चिकन है। इसे मैंने अच्छे से 2 पीस के रख दिया है। अब हमारा प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, इसे एकदम लाल कर देना है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि इसको कम से कम 15 मिनट तक लाल कीजिए दोस्तों। और डॉक्टर साहब प्रति मार के देखे बैठे हुए हैं एकदम स्वाधान की मुद्रा में। अभी अयोध्या जी गए थे और वहाँ 10 दिन बिता के आए हैं, भव्य वहाँ का आनंद लेके से। जय श्री राम। और हम लोग बना रहे हैं चिकन, दिल में आस्था होनी चाहिए दोस्तों। और अपने श्री राम का मंदिर बन चुका है। और प्याज को एकदम अच्छी तरह लाल करना है, क्योंकि आज एकदम मन से बनाएंगे चिकन। नहीं ढक के नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे उसको, ऐसे ही भूजेंगे यार। बढ़िया खुदे तेल इतना गर्म है कि भूज देंगे कायदे से उसको। नॉनवेज के जो शौकीन है दोस्तों, वो कभी उसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो फिर नॉनवेज के वो शौकीन नहीं है। नॉनवेज ऐसी चीज़ है कि कितना भी तबीयत खराब रहे, लीवर फेल होता रहे, खाने और पीने वाले कभी से छोड़ नहीं सकते हैं। जो पीना है पीना नहीं छोड़ेगा, और जो खाने वाला है खाना नहीं छोड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आप जानते ही हैं कि किडनी फेल लीवर फेल कोई दिक्कत नहीं, एक बार ले लें बस, कल से नहीं लेना है। वही हाल हम लोग का चिकन के साथ है। आज भर खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे, भले लीवर सूजन हो, फैटी हो, कुछ भी हो, मर जाएंगे लेकिन खा के मरेंगे। जिंदगी 2 दिन की है, खाना पीना मस्त रहना है। चिकन देखिए अभी मेरा तैयार है एकदम। प्याज भुजने के बाद में मसाले को भूजूंगा, मसाला भूजने के बाद में चिकन डाल के भूजूंगा, उसके बाद रसा लगा दूंगा और हम लोग का चिकन हो जाएगा तैयार दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब आज हमारे बना रहे हैं चिकन, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस चिकन बनाते हैं डॉक्टर साहब। और ये देखिए चिकन है, और ये हमारा जो प्याज है लाल हो चुका है। अब इसमें बारी आ गई है मसालों को डालने की। क्यों डॉक्टर साहब डाला जाए मसालों को? पहले लहसुन अदरक डालिए मैडम, लाइए। अब इसमें पूरे मसाले डाले जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं गाइज। तो आप पानी डाल के डाल दीजिए। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी आज हम लोग बनाएंगे चिकन, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों ने स्पाइसी और क्योंकि आज हमारे डॉक्टर साहब बना रहे हैं, आज पहली बार हम लोग इनके हाथ का चिकन खाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, और वीडियो बने रहेगा, बताएंगेगा आप लोग कि चिकन कैसा बना है। आप लोग क्या बताएंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा चिकन कैसा बना है खाने के बाद। इसमें थोड़ा सा लाल होने के लिए क्या डालती है, मर्चा ना डालती है, कौन सा कलर वाला मर्चा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी सब डाल दीजिए मसालों को आप। डालिए, बहुत है एकदम स्पाइसी और डिलीशियस आज चिकन बनेगा। एकदम होटल फेल कर देंगे हम लोग चिकन बनाएंगे ऐसा।
देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है मसालों का। डाल दिया प्याज, डाली नमक, लेकिन उतना नहीं डाले हैं, एक आध चम्मच और डाल दे रहे हैं। इसके साथ डाल दे, डाल डाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलजुल के बनेगा चिकन ना, सबका सबका साथ सबका हाथ। पहले दो चम्मच डाले थे, सबका हाथ सबका साथ चिकन बनाने में रहेगा। देखिए ये भी डाल रही है नमक, ज्यादा नमक मत डाल दीजिएगा कि गड़बड़ा जाए चिकन हम लोग का। और डॉक्टर साहब देखिए बनाते हुए चिकन आपके सामने पेश हैं, और आज बहुत ही डिलीशियस चिकन बनने जा रहा है। हाथ और उंगली खाते चबाते रह जाइएगा आप लोग। और देखिए कितना सुंदर मसाला देखने में, देखिए कितना अच्छा इसका लजतदार लबाबदार कितना टेस्टी मसाला लग रहा है दोस्तों। दो चार मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को देखना जो भी, और वीडियो को देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि चिकन सबका फेवरेट है, और जिसका जिसका फेवरेट है वो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर भी करेगा फेसबुक पे इंस्टा पे जहाँ चाहेंगे वहाँ। और डॉक्टर साहब से आप कुछ भी रोग संबंधित बातें भी पूछ सकते हैं, ये हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर, और इसे बनाया जा रहा है होम्योपैथिक विधि से दोस्तों। इसकी विधि जानने के लिए संपर्क करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब बने रहे वीडियो पे, लास्ट तक देखते रहें, हिलिएगा मत। गाइस ये आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो मसाला है अच्छी तरह से भुज गया है। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक वाले अपने होम्योपैथिक विधि से इसको बना रहे हैं धीरे 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 धीरे, और आज पर बहुत ही मन से एकदम मध्यम आंच पर धीमे धीमे बना रहे हैं, बहुत ही मन से बना रहे हैं दोस्तों। पहले 10 मिनट तेल को गर्म करिए, पहले 10 मिनट तेल को गर्म कीजिए, बताइए डॉक्टर साहब। खड़ा मसाला डालिए, फिर खड़ा मसाला डालिए, उसके बाद प्याज कम से कम 15 से 20 मिनट भूनिए भूनिए, उसके बाद मसालों का पेस्ट डालिए, उसको भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक भून लिए, तेल जो है बिल्कुल अलग हो गया है मसालों से। देखिए डॉक्टर देख सकते हैं, डॉक्टर साहब को बताना है कि जो तेल है मसालों से अलग हो गया, आप देख सकते हैं वाकई में तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया है दोस्तों। तो जो हम लोग का ये 5 किलो चिकन है, अब डॉक्टर साहब इसमें डालेंगे उसको, इसका मटेरियल तैयार हो गया, इसका मटेरियल तैयार हो गया, अब हम लोग डालेंगे चिकन और भूजेंगे अच्छी तरह से चिकन दोस्तों। तो वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक, और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे नए नए नुस्खे से बनाने का विधि चिकन का, साथ में तंदूरी रोटी, और साथ में तंदूरी रोटी और बीपी का खंभा वो नहीं रहेगा, मस्ती हो रही है। ये है ठीक है, हम लोग का पानी और पानी तेल छोड़ दिया है मसाला, अब इसमें डाल के भुजाएगा चिकन। तो डॉक्टर साहब जा रहे हैं अब चिकन डालने। ये देखिए बड़ी बड़ी पीस हम लोगों ने करवाई है, इसमें कम से कम 7, 2, 2, 8 लेग पीस होगी, क्योंकि 4 पीस काटा गया था चिकन। और डॉक्टर साहब बहुत ही तरीके से कलेजी देखिए दोस्तों, ये देखिए लेग पीस, डॉक्टर साहब धीमे धीमे इसको डाल रहे हैं, और आज बहुत ही मन से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश चिकन है, थोड़ा सा कुछ पीस डाल के हल्का चला लेंगे कि वो अच्छे से मिल जाए उसमें। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है निखर के, क्योंकि आज बना रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अब इसमें पूरी पीस डाल दी जाएगी पानी निकाल के, इसमें पूरी पीस डाल दी जाएगी दोस्तों, और बहुत ही लजेदार चिकन बनने जा रहा है। मुंह में अभी भी लगा पानी आने लग रहा है, चू जाएगा पानी मुंह से हम लोगों के, क्योंकि बहुत ही अच्छा रंग इसका निखर कर सामने आ रहा है, बहुत ही लजेदार और बहुत ही टेस्टी चिकन बन रहा है दोस्तों। चिकन बनाने में कभी हड़बड़ाना नहीं है, मध्यम आंच पर चिकन बनाने में हड़बड़ाना नहीं, मध्यम आंच पर चिकन बनाना है। पहले कुछ चिकन को डॉक्टर साहब फ्राई करके निकाल दीजिएगा, अलग उसको फिर असर डाला जाएगा ना, तो सूखता खाया जाएगा हम लोग, ठीक ड्राई हो, हाँ पहले ड्राई खाया जाएगा, फिर उसके अंदर पानी और रसा लगाया जाएगा हम लोग। समझ रहे हो, समझ रहे हो गुरु, गुरु समझ रहे हो। अब बच्चा चिकन में डॉक्टर साहब डालने जा रहे हैं इसमें, चला निकाल ले वाले, पूरा चिकन डाल दिया गया है इसको, तो पलट दो फिर
अब दोस्तों इसको मिलाया जा रहा है, अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिला रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। हम लोगों ने देखिए दोस्तों उसको ढक दिया है, अब ढक के धीमे धीमे आंच पे इसको भूजा जाएगा चिकन को। अब ये देखिए चिकन मेरा पूरा एकदम भगोना भर गया है, थोड़ा सा खाली है क्योंकि पाँच, ये कम से कम 8 किलो का भगोना है जिसमें हम लोग 5 किलो चिकन बना रहे हैं। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप बढ़िया से इसको मिला जुला के। लगभग 2.5 किलो प्याज है इसमें, 5 किलो चिकन में 2.5 किलो प्याज है, मसाला पड़ा हुआ है, आधा किलो तेल डला हुआ, आधा किलो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। अब ढक दीजिए डॉक्टर साहब, ढक के इसको धीमे धीमे भूजा जाए, कपड़ा लेके ठीक है। तो गाइस डॉक्टर साहब देखिए इसको धीमे धीमे चला रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं कि कितना पक चुका है। तो हमारा चिकन देखिए कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, कितने मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। और डॉक्टर साहब एकदम विधिवत मन से बैठे हैं, आज एकदम टेस्टी चिकन बना के रहेंगे और अपने मेहमानों को खिला के रहेंगे क्योंकि आज आपके भाई का है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो इसे उपलक्ष्य में बन रहा है हम लोग का बहुत ही बेहतरीन चिकन, डिलीशियस चिकन दोस्तों। गाइस ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चिकन और आज हम लोग खाएंगे चिकन क्योंकि आज है आपके भाई की मैरिज एनिवर्सरी और आज डॉक्टर साहब कहे कि आज मैं खुद चिकन बनाऊंगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस चिकन बनाने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास 5 किलो चिकन है और आप देख सकते हैं कितने वीआईपी ढंग से डॉक्टर साहब बना रहे हैं, फेट रहे हैं इसको। और होम्योपैथिक के डॉक्टर और होम्योपैथिक के स्टाइल में बना रहे हैं इस चिकन को दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अगर आप फूड लवर होंगे और आप नॉनवेज शौकीन होंगे तो अपने भाई को हैप्पी एनिवर्सरी विश करना नहीं भूलिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं लास्ट में।